السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ناظرين الكرام أزيد وردوستو بزرگ وربحيو الله کے فضل توفيق سورة الفاتحة کی تفسير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين पर गुफ्तु मुकम्मल करने के बाद हम आज आपकी खिदमत में हाजिर है ईया कना अबदो व या कन की तफसीर के साथ ईया कना अब व्याया कनस्तयन हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं इसमें बंदा इकरार करता है कि मेरे रब इबादत के लायक तेरे सेवा कोई नहीं और मदद तेरे सिवा कोई करने वाला नहीं है इस आयत में इकरार है इस बात का कि उम्मत के लोग अल्लाह की बंदगी में एक सफ़ में होने चाहिए ये नहीं कहा गया कि मैं इबादत करता हूँ बल्कि जमा का सेगा है कि सारे बंदे मिलकर अल्लाह के आगे अपनी मोहताजगी और अपनी बेबसी और बंदगी का इकरार करते हैं कि हमारे रब हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं कोई इससे मुस्तना और अलग नहीं है कि किसी को छूट है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करे नहीं सारे बंदे अल्लाह के मोहताज हैं और अल्लाह उन तमाम का रब है इसीलिए तमाम नमाज़ों में सूर फातह को पढ़ना लाजिम और ज़रूरी करार दिया गया चाहे इमाम हो या मुखदी हो तनहा नमाज पढ़ रहाना हो या जमात के साथ नमाज पढ़ रहा हो इ्या कना अबिया कस्तर कन में एक एहसास एक इकरार रब की ग़ुलामी और बंदगी का बंदा करता है और इकरार करता है इस आयत में इस बात की भी दलील है कि इन छोटा मामला हो या बड़ा बंदा अल्लाह से ही मदद मांगे मदद मांगने की दो सूरतें होती हैं। एक है मुतलक मदद मुतलक मदद यानी आम मदद वो सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है अमूमी मदद एक होता है कि महदूद मुकैद मदद जैसे कोई आदमी कर्ज चाह रहा है किसी से परसा पैदा उधार ले ले रास्ते पर है सवारी रोका लिफ्ट दिया गाड़ी पर सवार कर ले वो मदद जो बंदा बंदे की कर सकता है वो बंदे से बंदा मदद हासिल कर सकता है उसको कहते हैं अपने भाई को फ़ायदा पहुंचाना अल्लाह के अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से जब कोई अपने भाई को फायदा पहुंचा सकता हो तो फ़ायदा पहुंचाए मदद करने पे कुदरत है तो मदद करे लेकिन मुख्तार कुल मदद तलब करने का मुस्तक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है औलाद देने का इख्तियार बंदे के हाथ में नहीं है औलाद को दवा देना है सवारी पे बैठा के ले जाना है कपड़े की जरूरत है जिसके पास कपड़ा है वो दे देगा दवा है वो दे देगा लेकिन औलाद रूह फूकना या इसी तरह से जन्नत जहन्नम शफात बंदा जिन चीज़ों का इख्तियार नहीं रखता उस किस्म की मदद मांगना किसी बंदे से यही शिरक है और जिन चीज़ों का बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया उनसे ताउन और हेल्प मांगना ये शिरक नहीं है बल्कि ये मुस्तहसन और प्यारा और अच्छा अमल है जिससे अल्लाह ताला खुश होता है जब इस्लामी अकीदे की वजाहत की जाती है कि मदद सिर्फ़ अल्लाह से मांगनी चाहिए तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखो ये डूब रहा है ना इसको मत बचाओ क्योंकि इसको अल्लाह बचाएगा वह भी है ये डूबने वाले को अल्लाह बचाएगा लेकिन अगर वहाँ कोई ऐसा शख्स है जो डूबने वाले की मदद कर सकता है तो उसे मदद करना चाहिए यह हुक्म भी अल्लाह ताला ने दिया है जान डालना पैदा करना हकीकी मदद करना ये अल्लाह का काम है बाज दफ़ा इंसान बचा लेता है उसके बावजूद वो मर जाता है कभी कभी बचाने वाला ही मर जाता है तो मदद के बाब में मदद के चैप्टर में लोग बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं और इया कना इया व्याया नस्तईन की गलत तफसीर कर डालते हैं अल्लाह से ही मदद मांगना है उसी की बंदगी करना है गैरों की बंदगी करना शिरक है गैरों से मदद मांगना जिसकी ताकत बंदे के पास नहीं है न जिसका इख्तियार किसी बंदे के पास है उस मदद का मांगना शिरक और गुमराही है और वो मदद जो बंदा एक दूसरे की कर सकता है उस मदद करने का तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि तुम में से जो अपने भाई को फ़ायदा पहुंचा सकता हो फ़ायदा पहुंचाए बल्कि एक हदीस में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक महीने का एतकाफ़ मस्जिद में करूं मेरे लिए मैं इसको ज़्यादा पसंद करूँगा कि अपने भाई के काम आ जाऊँ भाई की मदद करूँ तो मदद करना ये एक प्यारा मसला है लेकिन जो मदद जिसका हकदार सिर्फ अल्लाह है और जिसको बंदा जिसका हक नहीं रखता वो मदद किसी से मांगी जाए तो वो शिरक और हराम है जैसे कोई मर गया कब्र के अंदर दफन है चाहे जितना बड़ा वली हो बुजुर्ग हो नबी हो रसूल हो क्या वो दुनिया के किसी शख्स की कोई मदद कर सकता है नहीं कर सकता तो अब किसी कब्र पे जा के वली के पास जा करके औलाद तलब करना रोज़ी तलब करना शिफा तलब करना ये अल्लाह साला ने इससे मना किया ये हराम और शिरक है क्यों वो आप ऐसी जगह सर फोड़ रहे हैं जहाँ कोई फ़ायदा नहीं लेकिन कोई इंसान है आप परेशान हैं आप उससे कर्ज मांगें आप उससे और कोई मदद मांगे जिसकी वो ताकत रखता है इसमें कोई हर्ज नहीं तो बंदों ने इफरात और तफरी से काम लिया समझने में और समझाने में आवाम की रहनुमाई करने में लोगों ने गलत रुख अख्तियार किया कुरान करीम को समझाने का काया कना अब इ नस्तईन में इंतहाई सराहत और वजाहत के साथ इस बात को बयान किया गया और फिर फरमाए कि एह दिन से चाहे इबादत का मामला हो मदद तलब करने का मामला हो जब बंदा अल्लाह के रास्ते से हट जाएगा तो गुमराह हो जाएगा तो सबक दिया गया कि अय मेरे रब तू हमें सीधा रास्ता देखा जब सीधे रास्ते पर रहेंगे तो मदद भी अल्लाह से तलब करेंगे इबादत भी अल्लाह की करेंगे बंदगी भी अल्लाह की करेंगे सीधा रास्ता क्या है किसे कहते हैं उनका रास्ता जिन पे तूने इनाम नाजिल किया और उनका रास्ता ना देखा या उनपे ना चला जिन पे तूने गजब नाजिल किया और जो गुमराह हो गए ये तीनों आयतें अल्लाह ने इन आयतों में बंदे के लिए बड़ी वजाहत की और सबक दिया कि रब मानना महबूद मानना मदद तलब करना सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है और दुनिया में सबसे बेहतरीन मदद बंदे की हिदायत है हिदायत का रास्ता सबसे बड़ी मदद अल्लाह की है जो इस रास्ते पर रहेगा वो गुमराही से बच जाएगा अल्लाह के गजब से बच जाएगा हिदायत के रास्ते की वजाहत कर दी गई कि उनका रास्ता न देखा जिन पर तू ने गज़ब नाजिल किया या जो गुमराह हो गए ये सूरा अलफात का पैगाम है इस दिन सिरातल मुस्तकीम में एक मजबूत दलील है कि हदायत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है हमें सीधा रास्ता देखा हदायत की दो किस्में होती हैं एक है हिदायत दावत अरसाद हिदायत का रास्ता बताना और दूसरी किस्म हदायत तौफीक हदायत पर चलाना हम दोनों रास्ते अल्लाह से तलब करते हैं कि हम हिदायत का रास्ता देखा भी उस पर चला भी तो दिखाने के लिए रसूल भेजा किताब नाजिल की जब हमारा रसूल पर ईमान मजबूत होगा किताब पर ईमान मजबूत होगा किताब से मोहब्बत होगी तो फिर किताब से रहनुमाई हासिल करेंगे से रहनुमाई हासिल करेंगे और अल्लाह की मदद से हिदायत पर चलेंगे हिदायत दावत इरशाद अल्लाह के रसूलों का काम अल्लाह के का काम दीन के खादमियों काम है आलिम, दाई या रसूल के हाथ में हिदायत तौफीक नहीं है हिदायत तौफीक यानी हिदायत पर चलाना सिर्फ़ अल्लाह का इख्तियार और पावर है हिदायत का रास्ता दिखाना ये अल्लाह ने रसूलों को दुआत को को दे दिया कि ये किताब है किताब हिदायत है ये रसूल उसको पढ़कर समझाएंगे हम अल्लाह से जद तलब करते हैं इह दिनमस्तकीम तो हम अल्लाह से हर किस्म की हिदायत तलब करते हैं वही हमारा रसूलों पर ईमान मजबूत करेगा वही कुरान को पढ़ने की तोफ़ी देगा वही हमें से जोड़ेगा और फिर हम उनमा के ज़रिए उनमा की बातें सुन कर के का रास्ता पा लेंगे इल्मिल कर लेंगे चलना चलाना उसकी तोफ़ी असल पावर अल्लाह के हाथ में है इसीलिए आप देखिए कि बाज़ एम्बिया भी अपनी औलाद को हिदायत नहीं दे सके क्यों उनके हाथ में हिदायत नहीं है नू आम का बेटा अल्लाह के रसूल रसोलम के चचा अबू तालिब इब्राहिम इस्लम के वालिद आज़र बताया इन्होंने रास्ते की रहनुमाई की हिदायतें दावत इरशाद ओपन किया लेकिन चलाने का पावर अल्लाह के हाथ में इसकी हमत और राज अल्लाह जानता है कि क्यों नहीं वो हिदायत पर कायम रहे और हिदायत दावत इरशाद ये बंदे के हाथ में है कि बंदा बताएगा चलेगा फिरेगा इल्म हासिल करे बहुत सारे लोग हमारे समाज में जब किसी आलिम का बेटा गलत रास्ते पर होता है तो वो कहेंगे देखो वो अपने घर को नहीं सुधार सके बेटे को नहीं सुधार सके तो दुनिया को क्या समझाएंगे ये गलत चीज़ है किसने कहा कि उन्होंने नहीं समझाया इल्म सिखाया रास्ता बताया ये काम हो गया चलाना तो अल्लाह के हाथ में है तो हिदायत दावत इरशाद बंदों के हाथ में है और हिदायत तोफ़ी अल्लाह के हाथ में है हिदायत दावत इरशाद भी अल्लाह ने बंदों को दिया है और उसका मुकम्मल पावर अल्लाह ही के हाथ में है कुछ जुजियात बंदों को दी इल्म हासिल करो पढ़ो रहनुमाई हासिल कर लो बहुत सारे लोग इल्म हासिल करने के बाद भी नहीं इल्म हो पाता है उनके पास तो हम दुआ करते हैं एक दिन से रात अय हमारे रब तू हमें सीधे रास्ते पर चला सीधा रास्ता देखा यानी उस रास्ते की रहनुमाई भी फरमा उस रास्ते पर हमें गामजन भी फरमा चला भी जो रास्ता कजी से खाली हो जिस रास्ते में शको शुभे ना हो सीधा रास्ता इस दिन मुस्तकीम में बंदे को सबक दिया गया कि बंदा अपनी दुआओं में अल्लाह से इखलासे नीयत के साथ दुआ मांगे जब आप खलूस दिल से सरात मुस्तकीम तलब करेंगे तो अल्लाता करेगा आज हमारी नमाजों में खुश व की कमी है रूटीनी तौर पे पढ़ लेते हैं दिन सरतर मुस्तकम जबकि सच्चे दिल से बंदा सरात मस्तीम तलब करे तो अल्लाह ताला सरात मस्तीम अता करेगा इस दिन सरातरमस्तकीम में एक बात का इकरार भी है कि मेरे रब मैं हिदायत का मोहताज हूँ और इस मोहताजगी को तेरे सिवा कोई नहीं दूर कर सकता है तो अब यहाँ पर किब्र गर सारी के सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि मैं हिदायत का महताज हूँ म का मोहताज हूँ, अमल का मोहताज हूँ तेरे रास्ते पे चलने का मोहताज हूँ तू मेरे लिए रास्तों को खोल दे तो इस आयत में बंदे का इफ्तार मोहताजी इकरार बंदा के अल्लाह के सामने है एह दिन मुस्तकीम के मेरे रब तू हिदायत देने वाला है तेरे सेवा कोई हिदायत नहीं दे सकता जब बंदे के दिल में कजी होती है टेढ़ापन या बुग्ज़ हो तो हिदायत नहीं पाता है इसलिए आलिम बन जाओ या इल्म सीखने वाले बन जाओ या से मोहब्बत करने वाले बन जाओ और अगर ये ना हो सके तो से बग्ज करने वाले मत बनो अगर तुम्हारे दिल में उलमा से बुग्ज़ दुश्मनी है तो हिदायत का रास्ता किससे लोगे कौन रहनुमाई करेगा तो इस मुस्तकीम में बंदा अखलास नीयत के साथ अपनी फ़कीरी मोहताजगी और हिदायत को अल्लाह के सामने पेश करे कि तू मुझे हिदायत अता फरमा अल्लाह तू मुझे हिदायत दे उनमें से बना जिनको तूने हिदायत दिया तो खलूस दिल से हिदायत तलब करने पर बंदे को अल्लाह रहनुमाई और हिदायत अता फरमाता है इस दिन में एक और पॉइंट तीसरा या चौथा जो मसला बताया गया कि हिदायत का रास्ता बड़ा वासे और वसी है ये तंग नहीं है अल्लाह की दुनिया बड़ी वसी है हिदायत का रास्ता बड़ा वसी है जितने लोग इस रास्ते पर चलना चाहेंगे सबके लिए रास्ता कुछ है हिदायत के रास्ते में तंगी नहीं है बल्कि गुमराही के रास्ते में आपको तंगी मिलेगी गुमराही के रास्ते में आपको दुश्वारी मिलेगी इस्लाम दीने अमल है दीन इल्म है इल्म के साथ अमल करना है और इस्लाम बंदे और रब के साथ ताल्लुक़ को जोड़ता है और दुनिया की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को इस्लाम जोड़ता है कि देखो बंदा जहाँ हिदायत का मोहताज है वहीं अल्लाह की हर किस्म की नेमतों का मोहताज है तो कहता है सरात लजीन आनाम तो मेरे रब उनका रास्ता देखा जिन पे तूने इनाम नाजिल किया दीन इस्लाम हिदायत का दिन है इनाम का दिन है और ये दिन आसमान ज़मीन के बीच सारी चीज़ों की ख़बर रखता है अबू गफारी रजी अल्लाह उन्होंने कहते हैं कि अल्लाह के नबी वसल्लम की वफ़ात हुई तो दीन दुनिया के बारे में हमें इस तरह बताया कि कोई परिंदा आसमान में उड़ता है तो उसका भी इल्म हमें अता किया है कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है और दीन इस्लाम तमाम चीज़ों को शामिल है बंदे के बंदों के साथ रब के साथ सारे हुआजे होने चाहिए जैसा कि मशहूर हदीस सही बुखारी की आप फरमाते हैं कि एक औरत को सिर्फ इसलिए अजाब दिया गया कि उसने एक बिल्ली के बच्चे को पकड़कर कर बांध दिया था उसको खाना पीना नहीं दिया अगर छोड़ देती तो वो अपनी रोजी तलाश कर लेती किसी परिंदे या किसी जानवर को जो पिजरे में कैद करेंगे तो आप उसे खाना नहीं देंगे तो आप जालिम ठहरेंगे अजाब होगा आपको नाहक क्यों मारा किसी को और अगर खाना पीना नहीं दे सकते तो पिंजरे में मत कैद करो छोड़ दो उसको अपनी रोजी तलाश कर लेगा और उसके बाद हिदायत यही है कि बंदे के साथ अच्छा सलूक किया जाए जानवरों के साथ अच्छा सलूक किया जाए अल्लाह की बंदगी सही तौर से की जाए यह नहीं कि सिर्फ आप नमाज रोज़ा कीजिए और जिस पर जो चाहे जुल्म कीजिए नहीं इंसान का मामला बंदों के साथ अच्छा हो रब के साथ अच्छा होने के साथ बंदों के साथ हो जानवरों के साथ हो चरिंदों और परिंदों के साथ हो तो उसे कहेंगे कि ये हिदायत याफ्ता है इसीलिए आप देखिए कि कोई दाढ़ी वाला सफ़ेद लिबास वाला कोई गलती करता है तो लोग ये नहीं कहेंगे फला ने गलती की कहेंगे वो दाढ़ी वाले ने ऐसा किया वो मुसलमानों के ऐसा किया क्यों हिदायत इतनी प्यारी चीज़ है कि लोग उसे फ़ौरन बदनाम कर देंगे हालांकि उस दाढ़ी वाले की दाढ़ी का कोई कसूर नहीं है उसके सफ़ेद लिबास का कसूर नहीं उसके मज़हब का नहीं कसूर है उसका अपना कसूर है लेकिन लोग फ़ौर उसको लपेट देंगे सारी चीज़ों को तो मुकम्मल जब हिदायत होगी तो आदमी अल्लाह का खौफ रखेगा ज़बान को जिसम को काबू में रखेगा कहीं जुल्म नहीं करेगा ना इंसाफ़ी नहीं करेगा और कहा कि एह दिन सरातलमस्तकीम हमें तो सीधा रास्ता देखा वो रास्ता जिस पे कोई कजी ना हो कोई चढ़ापन न हो और वो सीधा रास्ता क्या है आप ने फरमाया एक मरतबा लकीर खींची एक सीधी लकीर एक दाएं बाएं, दो दो तीन तीन लकीरें दो दो लकीरें और कहा कि बीच वाली लकीर पर हाथ रख के कहा कि सीधा रास्ता है वह मुस्तकी कि तुम सीधे रास्ते की पैरवी करो जहाँ सीधा रास्ता है वहीं दाएँ बाएँ गुमराही के भी रास्ते हैं वहीं तबाही के भी रास्ते हैं तो हक़ की पैरवी हक़ को बंदा तलब करे अल्लाह से और हक़ की पैरवी करे जहाँ हक है वहीं बातिल भी है जहाँ सीधा रास्ता वहीं टेढ़े रास्ते भी हैं अम्बिया के ज़माने में भी गुमराह करने वाले लोग मौजूद थे आज भी मौजूद हैं तो बंदा कहता इस दिन मुस्तकीम इखलासे दिल से अपनी मोहताजगी फ़कीरी को अल्लाह के सामने रखे और हिदायत तलब करे अल्लाह हिदायत देने वाला है और उसके बाद एक दिन मुस्तकीम का जो पाँचवा और अहम पैगाम दिया गया कि इस सीधे रास्ते में किसी तरह का इहराफ किसी तरह की दहरीत किसी तरह का इहाद किसी तरह की असबीयत या अंधी तकलीद बाप दादा की कि हम बाप दादा से ऐसे करते आ रहे इसी पर चलेंगे स़रात मुस्तकीम में ये सब चीज़ों की गुंजाइश नहीं है काल अल्लाह कल रसूल अल्लाह ने कहा नबी ने कहा और नबी के दिन पर चलने वाले सहाबा ताबीन सलफ़ साल का जो रास्ता है वही सरात मस्तकीम है इल्म में बंदा अल्लाह का महताज है और इल्म में जितना ज़्यादा पुख्तगी होगी नीयत जितना ज़्यादा ख़ालिश होगी बंदा हर लिहाज से हक को पालेगा नीयतों का फतूर नीयतों में अगर गड़बड़ी है तो सिर्फ ज़बान का इकरार काफ़ी नहीं होगा यह दिन सरातलमस्तकीब में छठा जो फ़ायदा है कि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है कोई भी हिदायत मांगेगा अल्लाह उसको हिदायत देता है सलमान फ़ारसी रज़ी के कबूल इस्लाम का वाक़ और बाद सहाबा के कबूल इस्लाम के वाक़ात को आप सुनिए कि कैसे अल्लाह ने हिदायत दी तो आप सच्ची नीयत से कहें एह दिन सरातलमस्तकीम मेरे रब तो मुझे सीधा रास्ता देखा सीधे रास्ते पर चला सीधे रास्ते पर गामजन फरमा जितनी ज़्यादा नीयत ख़ालिश होगी उतनी ज़्यादा अल्लाह की मदद आपके शामिल होगी और सातवीं जो चीज़ और सातवां जो मसला सरातर मुस्तकीम में बताया गया कि हादिये मुतलक हादी सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है दूसरा कोई हिदायत पर चला नहीं सकता और हिदायत दावत इरशाद ये बंदों के हाथ में अल्लाह ने दी व इन तहदी इला एरा सरात मुस्तकीम अल्लाह ने अपने रसूल से ख़िताब करके कहा कि आप लोगों को सीधे रास्ते की रहनुमाई करते हैं लजीन अनाम तिम उसके बाद है कि सिरात मुस्तकीम किस को कहते हैं फरमाए कि वो रास्ता जिन पे तूने इनाम नाजिल किया किन पे उनका इनाम नाजिल किया ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سنة المستقيم كاهي इनाम किन पर उतरा उसका जिक्र अल्लाह ने किया कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताद की तो ये उन्हीं लोगों में से होगा जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम नाजिल किया वो अम्बिया की जमात है सिद्दीकीन की जमात है शोहदा की जमात है सालहीन की जमात है चार किस्म के लोग हैं जिन पर इनाम उतरा है अम्बिया सिद्दीकीन शहदा और सालहन यानी अलिया और बुजुर्गान दिन और ये बेहतरीन लोग हैं और यही अल्लाह का फजल है और इन्हीं पर अल्लाह ने अपना फ़ज़ल उतारा और हम कहते हैं कि सरातल लजीना अलैहिम उनका रास्ता देखा जिन पे इनाम उतारा उनका रास्ता न देखा जिन पे तेरा गज़ब नाजिल हुआ या जो गुमराह हो गए यानी यहूद और नसारा यहूद के पास इल्म था गुमराह हो गए नसारा के पास इल्म नहीं था गुमराह हो गए तो फरमाए कि हमें सीधा रास्ता देखा सरातलजीन आम तम गैर मकदूब आलिमिन में अल्लाह ने हमें सबक दिया कि लोगों की तीन किस्में होती हैं इंसानों की तीन किस्में होती हैं नंबर एक पहली किस्म उन लोगों की जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम नाजिल किया और इनाम के नतीजे में उन्हें हक़ की रहनुमाई मिली हक का इल्म हासिल किया हक पर अमल किया ये सबसे बेहतरीन लोग हैं और दूसरे वो लोग जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब नाजिल हुआ और उसके बाद वो गज़ब नाजिल कैसे हुआ हक़ की रहनुमाई मिली लेकिन अमल की तौफ़ीक नहीं हुई तकबुर और घमंड किया इल्म के बावजूद तो उन पर गज़ब नाजिल हुआ तीसरी कस्म उन लोगों की जिनको हक़ की रहनुमाई नहीं मिली ना इल्म हासिल हुआ ना अमल हासिल हुआ और उसके बाद वो गुमराह हो गए तो इल्म का मिलना अमल की तौफीक का हासिल होना ये अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है सरातल अलैहिम इल्म हासिल हो जाना जैसे डिग्री याफ्ता डिग्री होल्डर यहूदो नसारा पढ़े लिखे पहले भी थे आज भी पढ़े लिखे लोग हैं और मुसलमानों में भी जो गुमराह लोग हैं डिग्री होल्डर एक से एक लोग आपको मिलेंगे जब वो मैदान में आएंगे तो अच्छे अच्छे लोग उनका टक्कर नहीं ले पाते लेकिन इल्म के बावजूद भी गुमराह हो जाते हैं तो सिरातल लज़ीन आनाम तम की तफसीर इनशा हम अगली गुफ्तगु में मुकम्मल करेंगे जब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए और इन चंद चीज़ें आपकी नई चीज़ें लेकर के फिर हाजिर होंगे अल्लाह हमें और आपको इल्म नाफ़ियता फ़रमाए साले की तौफीक बख्शे। आमीन व नबी अजमईन वही वसाभ व रहमतुल्लाहि व बरकातहू